अस्सलाम वालेकुम, SM न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। SM न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम शाम करते हैं कराची से। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में साबका शोहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमा ने 2 रोज़ कबल साबका शोहर को घर पर बुलाया और उस पर तेजाब फेंक दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दोबारा शादी से इनकार पर साबक शोहर पर तेजाब फेंकने वाली मुलजमा शहनाज कौसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमा शहनाज कौसर साबक शोहर से शादी करना चाहती थी और मना करने पर 2 रोज़ कबल मुलजमा ने साबक शोहर को अपने घर बुलाया और इस पर तेजाब फेंक दिया। वाक़या के बाद खातून लियाकताबाद में अपने रिश्तेदारों के घर में छुपी हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करके खातून को गिरफ्तार कर लिया। जुलसकार जख्मी होने वाला शख्स सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स का चेहरा, सीना और जिस्म के दीगर हिस्से तेजाब से मुतासर हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SM न्यूज़।